जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में मैं कामिनी खन्ना आप सभी श्रोताओं का करती हूँ तहे दिल से स्वागत। कैसे हैं आप लोग सब? कैसा गया लास्ट वीक आपका? अभी जो साप्ताहिक राशि भविष्य में आपको बताने वाली हूँ वो 4 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक का है, और इस दौरान जो घटनाएं होने जा रही हैं वो है 5 तारीख को है स्कंद षष्ठी, 7 को है दुर्गाष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी है, 10 तारीख को है मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती, और 11 को है प्रदोष। मंगल कुंभ में शाम 6:55 पर 11 को ही प्रवेश कर जाएंगे। तो 4 तारीख से लेकर 11 तारीख का भविष्य कुछ इस प्रकार है। चंद्रमा मकर में है 4 तारीख को। मेष राशि के लिए अब चंद्रमा की मूवमेंट अच्छी है, और मंगल के साथ चंद्र आते हैं और शुक्र के साथ चंद्र आते हैं तो महालक्ष्मी योग काम की जगह पर बनाते हैं ये। साथ ही में अब जो शुक्र चेंज होकर दशम में आ गए हैं वो भी आपको काम दिला रहे हैं। कोई काम के स्थल पे अगर आपका कोई साथी मिल जाए आपको, जिसको आप जीवन साथी बनाना चाहें तो वो भी हो सकता है अगले साल आपके लिए जून जुलाई के बाद। अभी फिलहाल बुध की भी स्थिति अच्छी है, सिर्फ शनि सूर्य की वजह से आपका माइंड परेशान है, तो वेट कीजिए 3 तारीख के बाद, कल के बाद, मतलब जो है काफ़ी स्थिति कंट्रोल में आई है और आगे 17 के बाद भी आएगी। वृषभ राशि के लिए मकर में चंद्रमा, इनको भाग्योदयकारी दिन आज का, और वैसे भी आगे मंगल शुक्र युति इनकी भाग्य में हो रही है। इनके भाग्य में कोई लिखा है, जो कोई आएगा, इनको अगर विवाह योग्य हैं तो इनको विवाह करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी मुझे उसके चांसेस नहीं लगते। फिलहाल जो बुध की वजह से इनको स्किन की प्रॉब्लम, फेफड़ों की प्रॉब्लम, जुकाम की प्रॉब्लम या त्वचा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको करनी चाहिए अब तो महालक्ष्मी की पूजा, जिससे आप बाहर निकल सकते हैं। और जो स्पाउस या पार्टनर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए आपको सूर्य पूजा आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको करनी चाहिए गंग गणपते नमा के जाप या गणेश जी की पूजा। मिथुन राशि के लिए आपके षष्ठ में चल रही है शनि सूर्य युति, तो विरोधी से सावधान। वैसे बता दूं शनि सूर्य युति के कारण आपके काफी इलाज हो गए हैं, दांत के, आंख के, हड्डियों से रिलेटेड, और आपके कोई सरकारी दरबारी काम भी होंगे तो आप वो निपटा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सूझबूझ से चल रहे हैं क्योंकि आपके माइंड का स्वामी जो है शुक्र, वो अब अष्टम में आ गया है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप गलत डिसीजन ना लें। और अगर कोई विदेश से रिलेटेड आपको व्यापार करना है या ट्रैवल करना है तो अति उत्तम रहेगा। कर्क राशि के लिए सन्मुख मंगल शुक्र, तो जीवन साथी आने के या कोई रिलेशनशिप होने के संकेत, साथ में शनि सूर्य जो आपके माइंड पर बैठे हैं, आपकी गलत सोच के कारण आप बार बार गलत डिसीजन लेते हैं। आपके परिवार वालों से आप विघटन मत कीजिए, संभाल के चलिए और स्वस्थ बोलिए, अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, तो आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। वैसे भी आपको पेट की तकलीफ से बचना चाहिए, गलत खान पान छोड़ दीजिए। सिंह राशि के लिए शनि सूर्य युति चतुर्थ में, तो अपनी माँ की तबीयत का ध्यान रखें, वाहन तेज ना चलाएं और मातहत लोगों से परेशानी ना बढ़ाएं। वैसे आपको ये 2-3 दिन अब जो है अपनी तबीयत संभालनी है, ये आने वाले 5 दिन के बाद आपको अच्छा दिन शुरू होंगे, जो आपको आगे 7-8 दिन के लिए आप भाग्यवर्धक दिन होंगे, आप अपने काम बना लीजिएगा। कन्या राशि के लिए आपके माइंड पे मंगल शुक्र युति, तो आप हो रहे हैं रोमांटिक और आपके प्रेम संबंध और आपकी शादी भी हो सकती है इस साल, आप अगली जून जुलाई तक शादी भी कर सकते हैं। वैसे बता दूं शनि सूर्य युति पराक्रम की जगह पर होने के कारण, आपके प्रवास की जगह पर होने के कारण आपका लेजी हो रहे हैं थोड़े, और आपका प्रवास हो सके तो टाल दीजिए, या आपके सिबलिंग्स की ओर से कोई बाधाएं आए या उनकी तबीयत खराब हो तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। तुला राशि के लिए चतुर्थ में मंगल शुक्र युति हो रही है, तो आपके माँ की ओर से आपको सही सलाह मिलने वाली है। वैसे बता दूं वाणी में जो आपके कटुता आई हुई है उससे कई बातें बिगड़ती हैं, और पैसे तो आपके पास गिर गिर के आ रहे हैं लेकिन बीच बीच में रुक जाते हैं। इसके साथ ही आपके माइंड पे जो केतु बैठा हुआ है उससे रिलेटेड जितनी आपको सोच जो आपकी कभी कभी गलत हो जाती है और आप ऑकल्ट साइंसेस में ज़्यादा बिलीव करना शुरू कर देते हो, उससे बचिए, प्रवास आपका अच्छा होने जा रहा है। वृश्चिक राशि के लिए लग्न में शनि सूर्य होती तो आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी दबी हुई, और अपनी तबीयत अच्छी रखिए, अपनी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचिए। आपके कार्यस्थल पर भी राहु बैठा हुआ है तो आपको थोड़ा सा लोगों से डील करते वक्त समझदारी से करनी है। प्रवास आपका बहुत अच्छा, प्रवास में आपके प्रेम संबंध हो सकते हैं, माइंड आपका
सही डिसीजंस लेने में आपकी सहायता करेगा। धनुराशि, धनुराशि के लिए काल सर्प योग बना हुआ है अभी भी आपके, लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं। शिव की आराधना आपको अत्यंत काम आएगी। लग्न में बैठा बुध अब आपको व्यवसायी रूप से सोच करवाता है अपने काम के बारे में, और आपका काम आगे बढ़ रहा है। आपका सही से लोगों के बीच आपका नाम होगा आगे चलकर, लेकिन जो द्वादश में शनि सूर्य युति है तो आपको विदेश प्रवास में सजग रहना है, सावधान रहना है, खर्चे ज़्यादा नहीं करने हैं, और फैमिली आपकी अत्यंत प्रसन्न है। मकर राशि, मकर राशि के लिए लग्न में बैठा मंगल शुक्र आपको थरली रोमांटिक बनाता है, और मंगल शुक्र की वजह से आपके जो काम आपने पैसे से रिलेटेड सोचे थे वो सब जो हैं वो शनि के घर में मंगल और मंगल के घर में शनि, इस वजह से थोड़ी सी किच-किच होकर वो काम बनते हैं। बहुत आक्रामक रूप से आपको काम करना पड़ता है, बहुत आप थके हुए हैं। इन सब स्थिति से बचने के लिए आप हनुमान जी की आराधना करें, और कालसर्प योग से बचने के लिए आप शिव जी को एक लोटा जल रोज चढ़ाएं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके शनि सूर्य होती दशा में बनने के कारण आप कार्यस्थल पर झगड़े कर रहे हैं, आप लोगों से उलझ रहे हैं, आपके काम अटक रहे हैं। इस वजह से ऐसा ना करते हुए शांति से निपटिए। स्थिति से आपके द्वादश में मंगल शुक्र युति आपके जीवन में एक से ज़्यादा प्रेम संबंध ना पैदा करे, इसका ध्यान रखें, और अपने माइंड से सोचें। आपका माइंड इन दिनों और आपके बच्चे आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और माइंड बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो आपकी सोच सही की वजह से आप किसी भी स्थिति से बचे रहेंगे। मीन राशि, कार्यस्थल पर बुध बैठने की वजह से आपका व्यवसाय अच्छा होने जा रहा है, मंगल शुक्र युति की वजह से आपके पैसे आ रहे हैं, और शनि सूर्य की वजह से आपके जो भाग्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं और आपके सरकारी दरबारी काम जो अटके हैं वो प्रवास में जाकर या कैसे भी आप बना लीजिए उनको, आते 17 जनवरी के बाद ये स्थिति भी टल जाएगी और शांति रहेगी, और आती 24 जनवरी के बाद आपको काम से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपको भी काल सर्प योग है तो आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, और पानी में थोड़ा से काले तिल डालकर चढ़ानी चाहिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य 4 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं और वृद्धों की सेवा करें। पौधे लगाते हैं हम तो अपनी व्यवसाय बढ़ता है, हरियाली बढ़ती है, प्रदूषण कम होता है, पोल्यूशन कम होता है, और सृष्टि के लिए अच्छा है। वैसे ही आप जब वृद्धों की सेवा करते हैं तो शनि राहु शांत होते हैं, और साथ में आपके जो पिता आपके माता जो है उनका आशीर्वाद लगता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।